यहाँ कुएं में मीठा पानी नहीं AK-47 मिलती है, नदी के भीतर मछलियां नहीं AK-47 है, नालों में पानी से ज्यादा बारूद भरा हुआ है, बिहार के मुंगेर में अब अवैध कट्टे नहीं AK-47 मिलते हैं, कुएं के भीतर गोताखोर मछलियां नहीं मार रहे हैं, बारूद खोज रहे हैं, नाले के भीतर गोताखोर तलाश रहे हैं AK-47 का जखीरा। मुंगेर यूं तो अवैध हथियारों के लिए कुख्यात रहा है, लेकिन इस बार यहाँ लगातार AK-47 जैसे घातक हथियार मिल रहे हैं, और ये हथियार भी सेना के डिपो से लाए गए हैं, और इसका खुलासा पहले ही हो चुका है। 20 AK-47 मिल चुके हैं और अभी भी यहाँ पर खोज चल रही है। ये आप देख रहे हैं गंगा नदी के किनारे जो नाला है, इसमें खोज चल रही है कि हो सकता है कि यहाँ भाई छुपा कर रखा गया। सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जिस मुंगेर की चर्चा हथियारों की फैक्ट्री और अवैध असलहों की भरमार के लिए होती थी, उस मुंगेर में अब AK-47 बिकती है। उस मुंगेर में अब AK-47 के व्यापारी बसते हैं, वो नक्सलियों को AK-47 उपलब्ध कराते हैं, वो आतंकियों तक पहुंचाते हैं AK-47। और इस बात की तस्दीक कर रही हैं ये तस्वीरें, देखिए ये AK-47 के पार्ट्स जिन्हें जोड़कर बनाई जानी थी AK-47 और पहुंचाई जानी थी आतंकियों तक। ये पूरा माजरा क्या है, बहुत तफसील से सुनिए। तारीख 29 अगस्त 2018, ये वो तारीख थी जब पहली बार 3 AK-47 के साथ मुंगेर के जमालपुर में इमरान नाम का आदमी पकड़ा गया था। पुलिस को शक हुआ कि ये AK-47 वही हैं जो मध्य प्रदेश के जबलपुर हथियार फैक्ट्री से गायब हुई थी। पड़ताल आगे बढ़ी तो आमना खातून नाम की एक महिला पकड़ी गई। पूछताछ के दौरान आमना खातून ने बताया कि मंजी के घर के आंगन में एक कुआं है और उस कुएं में मंजी की पत्नी के द्वारा कुछ हथियार का बोरा डाला गया था। रात में वहां पर हम लोगों ने तलाशी करवाई तो उसमें काफी सारे AK-47 के पार्ट्स हम लोगों को बरामद हुए हैं। पुलिस को तुरंत एहसास हो गया कि हथियारों को नक्सलियों और आतंकियों तक पहुंचाने का जबरदस्त नेक्सस चल रहा है। नक्सल के बारे में तो पूछताछ में शुरू में सामने आया था कि नक्सलियों को कुछ हथियार इन्होंने सप्लाई किए हैं। आतंकवादी कनेक्शन के बारे में भी कुछ सूचना हम लोगों को मिली है, लेकिन इसमें हम लोग और जांच कर रहे हैं। अभी कुछ मेन एक्यूज की गिरफ्तारी बाकी है, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद इस संबंध में और हम लोग ठोस रूप से कह पाएंगे। पुलिस ने अब तक 6 मामले दर्ज किए हैं, 6 लोगों को जेल भेजा है, 8 लोगों को रिमांड पर ले रखा है। पूछताछ जारी है, हथियारों की खोजबीन जारी है। पुलिस को शक है कि जबलपुर हथियार फैक्ट्री से गायब 50 से ज्यादा AK-47 यहीं खपाई गई। अब पुलिस इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में है। बहुत संभव है कि आतंकियों की किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो।